जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीमारी के बारे में। अगर किसी भी इंसान को कमर, पांव या पेशाब वाली जगह में परेशानियां आती है, या किसी भी प्रकार से हर्नियों का रोग होता है, या रसौली हो जाना, या किसी भी तरह से नाभि से नीचे वाले हिस्से के अंदर किसी भी तरह की कमियां आना, किसी भी तरह की परेशानियां आना या बीमारी होना, ऐसे में कौन सा ग्रह खराब होता है, इसके क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। जन्म कुंडली में अगर केतुदेव खराब हो जाए और महादशा या अंतरदशा भी केतुदेव की ही आ जाए, तब ऐसे में कमर पांव में चोट लगने का डर बना रहता है। किसी भी तरह से प्राइवेट पार्ट को लेकर के किसी भी तरह के रोग होना, परेशानियां होना, ऐसे लोगों को आम देखने को मिलते हैं। या किसी भी प्रकार से हर्निया हो जाना, या ज़्यादातर फीमेल्स को रसौली वगैरह हो जाती है, इस तरह की जो परेशानियां हैं ये खराब केतु के कारण ही बनती है। अब जन्म कुंडली में अगर केतु खराब अवस्था में है और केतु की ही महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो इन हिस्सों में किसी भी तरह की परेशानियां आप लोगों को देखने को जरूर मिल सकती है। केतु का संबंध अगर मंगल के साथ बन जाए तो ऐसे में चोट लग के टांग टूटने का डर भी रहता है, या रीढ़ की हड्डी में भी किसी प्रकार से चोट लगने का डर बना रहता है। अब ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। ऐसे में चंद्रमा को अच्छा करना बेहद ज़रूरी है, यानी कि हर रोज़ सुबह उठ के माँ का आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौसी, नानी, दादी से संबंध अच्छे रखना, और जब भी उनसे मिलो उनका आशीर्वाद लेना बेहद ज़रूरी है। या घर के आसपास कोई बुजुर्ग औरत है या विधवा औरत है, उनका जितना आशीर्वाद लोगे चंद्रमा उतना अच्छा होगा। साथ ही बकरी का दान भी ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए, और साल में एक बार एक काला सफ़ेद कंबल लेके माथे पर लगा करके मंदिर जरूर देना चाहिए। और 48 दिन लगातार 3 केले अगर ऐसे लोग मंदिर में देते हैं, तो इस तरह की सभी परेशानियों से आप लोगों को निजात जरूर मिलेगी। जिनको कमर पाँव में हमेशा दर्द भी रहता है, वो भी ये उपाय कर सकते हो, ताजो कमर पाँव से जुड़ी हुई किसी भी तरह की परेशानियों को दूर किया जा सके। इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।